हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 हॉस्पिटल फार्मेसी का, जिसके अंदर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुड फार्मेसी प्रैक्टिस इन हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड्स। क्या है उसके स्टैंडर्ड्स, क्या है ये बेसल स्टेटमेंट, क्या है FIP, क्या है ASHV, है ना, काफ़ी सारी बातें जिसके यहाँ दे दी गई हैं। तो आप स्टार्ट करें हम लोग यहाँ पर। तो देखो, जो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस इन क्या हॉस्पिटल है वो सेम है, मैंने मेंशन किया हुआ है, वो सेम है जो हमने कहां पढ़ी थी, कम्युनिटी फार्मेसी में पढ़ी थी, सेम एज GPP ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट Chapter 2 Lecture 2। तो वहां चले जाएंगे, वो लेक्चर अगर देख लिया तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो उसको देख लेंगे। वहां पर जो नोट्स है वही सेम नोट्स के लिए वही सेम रहेगा, रिक्वायरमेंट वगैरह जो बातें वहां लिखी थी बस वही सारी बातें हमने एक वहां पर कम्युनिटी फार्मेसी जगह पर हॉस्पिटल फार्मेसी ऐड करते हुए सारी बातों को लिख देंगे। क्लियर है? ओके, नाउ हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड, ये कुछ नया है, यहां को समझेंगे हम लोग नई चीजें। तो आओ देखें, यहां सबसे पहला टर्म आ रहा है हमारे पास इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन FIP। क्या है? इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। देखो, पहचानो हमारा जो फेडरेशन, हमारा जो संस्था है बहुत बड़े लेवल है, हम फार्मासिस्ट वालों की जो लोगों की संस्था है बहुत स्ट्रांग है, ठीक है ना, और उसी के बारे में यहां कुछ बातें होने वाली है। अगर मैं इसकी इंट्रोडक्शन की बात करूं, इस फेडरेशन में लगभग 120 मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन 82 कंट्री, 82 कंट्री में इन्वॉल्व है, ठीक है। टोटल रिप्रेजेंट 2 मिलियन फार्मासिस्ट वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में लेकर के लगभग 2 मिलियन 20 लाख, है ना, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, 20 लाख फार्मासिस्ट जो यहां जुड़े हुए हैं। ओवर 4000 इंडिविजुअल मेंबर हैं, सिंगल मेंबर हैं। हेडक्वार्टर्स द हॉग द नीदरलैंड में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, और इसका एक ऑफ साइट ऑफिस है। उसके अलावा जिनेवा में, स्विट्जरलैंड जो जहां स्विट्जरलैंड के अंदर जिनेवा में इसका एक ऑफ साइट ऑफिस है, एक और ऑफिस है इसका। ऑफिस बहुत छोटा है क्योंकि वहां बहुत ज्यादा वैसा काम नहीं है, तो केवल रिलेटिवली बहुत छोटा सा स्टाफ है, 12 लोगों का स्टाफ है, ठीक है। अब FIP का मिशन क्या है, अब समझना बच्चों, ये जो FIP है क्यों हम लोगों को समझना है, ये हमारे लिए काम कर रही है, हम फार्मासिस्ट लोगों के लिए, टू इंप्रूव ग्लोबल हेल्थ बाय एडवांसिंग फार्मेसी प्रैक्टिस। ये चाहती है कि पूरी दुनिया की जो हेल्थ इंप्रूव हो वो किसके द्वारा हो, फार्मेसी प्रैक्टिस के द्वारा। डॉक्टर्स तो इलाज कर देते हैं, वो तो जब बीमार हो गया इंसान तब डॉक्टर का रोल प्ले होगा, हम बीमार ही नहीं होने देंगे इंसान को, समझ रहे हो कॉन्सेप्ट। एंड एडवांसिंग फार्मेसी प्रैक्टिस के जो एडवांस तरीके हैं और उसमें साइंस का यूज करेंगे, इनेबल बेटर डिस्कवरी। जब हम एडवांस फार्मेसी प्रैक्टिस और साइंस का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें सक्षम बनाता है, इनेबल बनाता है कि हम ढूंढ पाएं, डिस्कवर कर पाएं, डेवलप कर पाएं एसेस टू सेफ यूज ऑफ एप्रोप्रिएट कॉस्ट इफेक्टिव क्वालिटी मेडिसिन वर्ल्ड वाइड। जो हमारे पास मेडिसिन है एक अच्छी होनी चाहिए, डेवलप्ड होनी चाहिए, ठीक है ना, और सेफ होनी चाहिए। मतलब ओवरऑल देखा जाए कहीं पर ये सारी बातें अगर हम पीछे का पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, कम्युनिटी फार्मेसी पढ़ा, कुछ हमने यहाँ पढ़ा, वो मिली जुली बातें वही सेम है। आखिरकार हमको फार्मेसी के थ्रू, अपनी जो फार्मेसी प्रैक्टिस के थ्रू दुनिया की हेल्थ को अच्छा करना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, डिस्कवरी डेवलपमेंट एसेस टू द टू एंड सेफ यूज, सेफ यूज का इस्तेमाल करते हुए किसका, दवाइयों का, और वो कैसी रहनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव और क्वालिटी में अच्छी होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ये थी FIP। अब एक और चीज है यहां पर, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मासिस्ट ASHP, ठीक है ना। तो आओ देखें यहां पर ये क्या है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ASHP वाज फॉर्म्ड ऑन अगस्त 21, 1942। समझ रहे हो, तभी अमेरिका में फार्मासिस्ट की बहुत इज्जत है, उनकी वैल्यू है वहां बहुत ज्यादा, वो संस्था वहां पर खड़ी हो गई थी और काफी स्ट्रांग वर्क करती है फार्मासिस्ट के लिए। विद द गोल, इसका गोल क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, टू एस्टेब्लिश नेशनल रिकॉग्निशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। जो फार्मासिस्ट हॉस्पिटल में काम करते हैं उनको नेशनल वाइड उनकी रिकॉग्नाइज, उनकी पहचान होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जैसे अपना थोड़ा सा डेवलपिंग कंट्री में हालत बुरी है फार्मासिस्ट लोगों की। हार्वी AK वाइटनी द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ ASHP, ये पहले चेयरमैन बने उनके। ASHP इज द कलेक्टिव वॉइस, ये एक कलेक्टिव वॉइस है ऑफ फार्मासिस्ट हु सर्व एज पेशेंट केयर प्रोवाइडर्स। जो फार्मासिस्ट पेशेंट केयर प्रोवाइड करवाते हैं उनकी कलेक्टिव वॉइस है। मैं कुछ चाहता हूँ कि नहीं, हमको जैसे अगर तुम अपनी आवाज उठाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं ये हमारी हेल्प करती है, ठीक है। हेल्थ सिस्टम, ठीक है, प्रोवाइड केयर इन हॉस्पिटल, पेशेंट की केयर कहाँ कर रहे हो, हॉस्पिटल में, हेल्थ सिस्टम में, एम्बुलेटरी क्लिनिक, एम्बुलेटरी मूवेबल क्लिनिक्स होती हैं, एंड अदर हेल्थ केयर
सेटिंग्स स्पैनिंग द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ मेडिकेशन यूज, ठीक है ना, स्पैनिंग मतलब आप इस्तेमाल कर रहे हो मेडिकेशन का पूरा पूरी जो रेंज है उसको इस्तेमाल करते हुए आप जब ये काम कर रहे हो, पेशेंट केयर प्रोवाइड करवा रहे हो इन इन संस्थाओं में, ठीक है, उन सब फार्मासिस्ट की कलेक्टिव वॉइस, वो सब कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है ना, तो क्या कहना चाहते हैं कि उनकी भी पहचान होनी चाहिए, बात समझ में आ रही है। द ऑर्गेनाइजेशन मोर देन 60,000 मेंबर इंक्लूड फार्मासिस्ट, इस ऑर्गेनाइजेशन में जो 60,000 से ज्यादा मेंबर क्या है, फार्मासिस्ट है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट फार्मासिस्ट हैं, मतलब एक तो वो फार्मासिस्ट जो पूरे कंप्लीट हो गए हैं, कुछ स्टूडेंट फार्मासिस्ट हैं जो अभी स्टूडेंट हैं, एंड फार्मेसी टेक्नीशियंस वो इससे जुड़े हुए हैं। फॉर 80 years लगभग 80 साल हो गए हैं ASHP हैज बीन एट द फोर फ्रंट ऑफ एफर्ट, एकदम अग्रणी है, आगे है कोशिश करने में टू इम्प्रूव मेडिकेशन यूज एंड इन्हांस पेशेंट सेफ्टी, है ना, मेडिकेशन का अच्छे से इम्प्रूव्ड यूज और क्या है, इन्हांस पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट की सेफ्टी को इन्हेंस करना है, बढ़ाना है। तो समझ में आया ASHP क्या है, FIP क्या है, ठीक है। अब ASHP का मिशन क्या था, द मिशन ऑफ फार्मासिस्ट इज टू हेल्प पीपल अचीव ऑप्टिमल हेल्थ आउटकम, इसका मेन उद्देश्य क्या था कि जो लोग अपनी हेल्थ का अचीव ऑप्टिमल हेल्थ आउटकम, ठीक है ना, उनकी हेल्थ एकदम सबसे बढ़िया हो, सबसे बेस्ट हो, ठीक है। ASHP helps its member achieve this mission. जो ASHP है वो अपने members को ये achieve करने में कि लोगों की health अच्छी हो help करती है। इसके member कौन है, देखे ना हमने यहाँ पर 60,000 member हैं जो diet से जुड़े हुए हैं। Okay. आगे आते हैं by advocating and supporting the professional practice of pharmacist in hospitals, ठीक है ना, ये ASHP help करती है अपने लोगों की achieve करने में क्या optimal हेल्थ आउटकम, ठीक है, लोगों की कैसे होगी, बाय एडवोकेटिंग एंड सपोर्टिंग द प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ये एडवोकेट करती है, सपोर्ट करती है प्रोफेशनल प्रैक्टिस को कि आप प्रोफेशनली काम करेंगे, ठीक है, इन हॉस्पिटल हेल्थ सिस्टम एम्बुलेटरी केयर क्लिनिक एंड अदर सेटिंग्स स्पैनिंग द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ मेडिकेशन यूज, और अब पूरा मेडिकेशन का भरपूर इस्तेमाल करते हुए, ठीक है ना, जो क्या है मतलब आपका पूरा यूज आना चाहिए, ठीक है ना, जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं फार्मासिस्ट का एक तरह से जो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस या जो एक फार्मासिस्ट लोगों की हेल्थ के लिए काम कर सकता है, दवाइयों का ज्ञान दे सकता है वगैरह, सारी चीजें इसके अंदर काउंट हो जाती है, ठीक है। ASHP serves its member as their collective voice on issues related to medication use and public health. अगर मान लो हम फार्मासिस्ट हैं, हमको लग रहा है कि ये प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन हमारा जो प्रोफेशनल्स हैं जैसे मान लो डॉक्टर्स वगैरह, वो इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये यूज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि हमको दवाइयों की नॉलेज ज़्यादा है, वो क्या जाके दिक्कत करेगा, ठीक है ना, तो हम वो आवाज़ उठा सकते हैं, ऐसे जो इश्यूज आते हैं यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं कि कंप्लेन कर सकते हैं कि ऐसी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, तो ये सब चीज़ें इस तरीके से ये इसका मिशन है, ठीक है। और ये सारे काम कौन करेगा, फार्मासिस्ट करेगा। विजन क्या है इसका, ASHP विजन इज दैट मेडिकेशन यूज विल बी ऑप्टिमल, मेडिकेशन का इस्तेमाल एकदम अच्छा से होना चाहिए, ऑप्टिमल मतलब होता है जो एकदम सबसे बेस्ट, सेफली होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं होगा मेडिसिन खा रहे लेकिन असर ही नहीं कर रही है, ठीक है। फॉर ऑल पीपल ऑल ऑफ द टाइम, हर किसी इंसान के लिए हर समय, ठीक है ना, भाषा होती लिखने का मतलब सीधा से विजन क्या है कि दवाइयों का सर्वोत्तम इस्तेमाल हो, सबसे अच्छा इस्तेमाल हो, है ना, ये नहीं कि है कुछ दवाई कुछ और चल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लियर है। आगे आते हैं मिड ईयर क्लिनिकल मीटिंग एंड एग्जीबिशन, ये भी एक टर्म आएगा आगे जाकर के, तो इसको भी हम अभी क्लियर कर लें कि ये क्या चीज होती है। अब देखो ये क्या चीज है, देखो बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हैं बच्चों, फार्मासिस्ट अगर हम आगे जाके बी फार्म एम फार्म करते हैं तो बड़ा ही अच्छा है, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि स्कोप नहीं, बहुत बड़े बड़े स्कोप है यहाँ पर, लेकिन हम लोग थोड़ा सा क्या है उतना आगे तक सोचते नहीं है। आगे आते हैं दिस इवेंट शोकेस, दिखाता है कौन सा, ये एक इवेंट होता है क्लिनिकल मीटिंग एंड एग्जीबिशन, जैसे नहीं एग्जीबिशन लगता है, एक मेला टाइप का लगता है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या दिखाता है, प्रोडक्ट लाइक एडवांसिंग नॉलेज, जो नॉलेज अब तक एडवांस होकर आ गई है ना, पिछली ईयर और इस साल की नॉलेज में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ गया होगा बहुत सारी चीजों में। नेटवर्किंग विद कलीग्स, ठीक है ना, इनहेंसिंग प्रैक्टिस स्किल, प्रैक्टिस मतलब हो सकता है कि आप जैसे अभी मैं आज ये बोर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, हो सकता है नेक्स्ट ईयर कुछ और आ जाए, हो सकता है नेक्स्ट ईयर कुछ और, जैसे मोबाइल हमेशा अपडेट होता रहता है तो प्रैक्टिस भी हमारी जो होती है अपडेट होती रहती है ना। पुराने टाइम में देख लो दांतों को, पुराने समय में क्या डायरेक्ट उखाड़ देते थे, अब आज के टाइम पे क्या है टेक्निक आ गई, पहले सुन करते हैं फिर उखाड़ते हैं। एंड लर्निंग अबाउट द लेटेस्ट प्रोडक्ट एंड इनोवेशंस, इनोवेशन जो नई नई चीजें खोज में आ गई हैं, इन द HR कंसल्टेंट, HR मतलब ह्यूमन रिसोर्स, जो इंसान लोग सीखेंगे, मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये एक तरह का मेला होता है ऐसा मान लो,
ये एक इवेंट है मेला टाइप का जो दिखाता है ऐसे प्रोडक्ट जो एडवांस हो गए हैं, नेटवर्किंग जो कलीग्स, ठीक है, एनहेंसिंग प्रैक्टिस स्किल, कोई एडवांस प्रैक्टिस स्किल आ गई है, मतलब कोई नए तौर तरीके आ गए हैं जिससे हम लोग पेशेंट को केयर कर सकते हैं, नई कोई खोज हो गई है, लर्निंग, लेटेस्ट प्रोडक्ट, कोई नया प्रोडक्ट आ गया जिससे हम पेशेंट की हेल्प कर सकते हैं, या कोई नई खोज हो गई है, ठीक है ना। कहाँ कहाँ पर? एचआर कंसल्टेंट या एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स, जो इंसान लोग काम करते हैं मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, ऐसा हो सकता है। तो इन चीज़ों में अगर ये चीज़ें आई हैं तो इसकी एक मीटिंग लगती है जिसको फार्मासिस्ट अटेंड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ये सब चीज़ें नहीं आ गई हैं जो कि हम इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आई? फार्मासिस्ट इस्तेमाल करेगा, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। आगे आते हैं, ये सब बातें हो गई। अब एक मीटिंग होती है, ठीक है ना, FIP के द्वारा, ऑन द फ्यूचर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। कि हॉस्पिटल फार्मेसी का फ्यूचर बहुत काम की चीज़ है, हॉस्पिटल फार्मेसी, ठीक है ना, जो विदेशों में USA वगैरह में तो बहुत ही मतलब ज़बरदस्त रोल रहता है इनका। अब कह रहा है कि FIP को चिंता सताई कि हॉस्पिटल फार्मेसी का भविष्य थोड़ा खतरे में है। उनने क्या किया, दिसंबर 2005 में एक मीटिंग रखी, ठीक है ना, इंटरनेशनल लीडर्स इन हॉस्पिटल फार्मेसी मेट इन, कहाँ मिले सबके सब, न्यू ऑलरींस एट ASHP मिड ईयर क्लिनिकल मीटिंग। ये जो मिड ईयर क्लिनिकल मीटिंग चल रही थी, इसी में, इसी एग्जीबिशन के दौरान 2005 में इंटरनेशनल लीडर इन हॉस्पिटल फार्मेसी, हर एक कंट्री का हॉस्पिटल फार्मेसी का जो मेन लीडर था वो आकर के न्यू ऑलरींस में आके मीटिंग करते हैं, यहाँ मिलते हैं, ठीक है। मिलने के बाद कॉमन कंसर्न्स वर ऑब्जर्व डेट, एक कॉमन दिक्कत आई, सब कह रहे थे ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस वॉज मिसिंग, जो एक पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड होना चाहिए फार्मेसी प्रैक्टिस का, हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस का, वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। द FIP हॉस्पिटल फार्मेसी सेक्शन वॉज चूजन एज होस्ट फॉर ग्लोबल कंसेंसस कॉन्फ्रेंस। FIP के जो हॉस्पिटल फार्मेसी थी, ठीक है ना, उसको चूज किया गया होस्ट की तरह कि वो होस्ट करे और सारे जो सहमति वगैरह जो थे कॉन्फ्रेंस की वो देखे उनको। अ स्टीयरिंग कमेटी, एक संचालन कमेटी फॉर्म बनाई गई, सेवरल सब कमेटीज, कई उसके नीचे ही कमेटी बनाई गई जो ये काम को करना स्टार्ट करेगी। और फाइनली एक मीटिंग होती है, कब, 30 से 31 अगस्त 2008 इन बसेल में जाके एक मीटिंग होती है। तो ये केवल क्या था, नॉलेज के लिए था कि आखिर हुआ क्या, FIP और ASHP किस तरीके से इन्वॉल्व है बसेल स्टेटमेंट में, ठीक है ना, हमारे हेडिंग टॉपिक में भी लिखा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं वो बताता है कि किस तरह इन दोनों ने मिल करके ये सारी संस्थाएं मतलब एक कमेटी वगैरह बनाई गई, फिर फाइनली इस तारीख में आकर के बसेल में क्या हो रही है, मीटिंग हो रही है। अब उस बसेल मीटिंग में क्या हुआ वो समझेंगे यहाँ पर। अभी एक और चीज़ देखते हैं कि आखिर ऑब्जेक्टिव क्या था FIP ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन फ्यूचर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, ये जो यहाँ मीटिंग हुई इस मीटिंग का उद्देश्य क्या था, ठीक है, बात को समझना। टू बिल्ड अ शेयर्ड विजन अमंग हॉस्पिटल फार्मेसी ओपिनियन, एक मिला जुला सबका ओपिनियन होना चाहिए, ठीक है, किसको रिगार्डिंग, हॉस्पिटल फार्मेसी को रिगार्डिंग, ठीक है, जो दुनिया भर के लीडर है हॉस्पिटल फार्मेसी के अपने अपने कंट्री के, उन सबका एक विजन होना चाहिए, एक शेयर्ड विजन, उन सबकी मतलब सोच को मिला करके हमें काम करना है। अबाउट द प्रीफर्ड फ्यूचर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस, ठीक है ना, तो हर कंट्री से हॉस्पिटल फार्मेसी के लीडर आए और अपना व्यू दिया और उसको लेकर के हमको एक ऐसा काम करना है जो कि हॉस्पिटल फार्मेसी के फ्यूचर के लिए, उसकी प्रैक्टिस के लिए काफी बेटर हो। टू आइडेंटिफाई, पहला तो रोल ये हो गया, टू आइडेंटिफाई स्ट्रैटेजिक गोल फॉर ग्लोबल एडवांसमेंट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, हमको ढूंढना था, एक रणनीति तैयार करनी थी कि जो ग्लोबल एडवांसमेंट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी है दैट आर रिलेवेंट टू द नीड्स ऑफ ईच पार्टिसिपेटिंग कंट्री, ठीक है ना। मेन क्या हो गया, टू आइडेंटिफाई स्ट्रैटेजिक गोल फॉर एडवांसमेंट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, कि हॉस्पिटल फार्मेसी को हम एडवांस कैसे करें, ये एक मेन का गोल था। डेट आर रिलीवेंट टू द नीड्स ऑफ ईच पार्टिसिपेटिंग कंट्री, और ये हर किसी पार्टिसिपेटिंग कंट्री, जो कंट्री पार्टिसिपेट कर रही थी उसके लिए जरूरी था, हॉस्पिटल फार्मेसी को एडवांस करना चाह रहा हर कोई, ठीक है ना। एंड टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्लोबल कॉपरेशन डेट विल अलाउ एवरी कंट्री टू अचीव देयर गोल फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी, एक ग्लोबल कॉपरेशन, हमारी कंट्री का दूसरी कंट्री से, दूसरी कंट्री का, मतलब सब आपस में मिले जुले हों जिससे कि हर किसी कंट्री में हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस बेस्ट हो सके और वहां के लोगों को सबसे बेस्ट क्या मिल सके, केयर मिल सके। बात समझ में आ रही है? अब टू डेवलप कंसेंसस, कंसेंसस होती है सर्वसहमति, सबकी सहमति, स्टेटमेंट ऑन हाउ टू बेस्ट प्रायोरिटाइज प्रैक्टिस एडवांसमेंट, ठीक है ना। टू डेवलप कंसेंसस स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट की सब जिसपे राजी हो उसको डेवलप करने के लिए, कि हाउ बेस्ट प्रैक्टिस एडवांसमेंट, सबसे बेस्ट एडवांस प्रैक्टिस कौन सी रहेंगी, एंड ऑफर गाइडेंस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ टूल्स, ठीक है ना, जो टूल मतलब जिससे हम लोग काम करेंगे,
टाइमलाइंस एंड टैक्टिक्स फॉर अचीविंग दोज एडवांसमेंट, ठीक है ना। तो कह रहा है टू डेवलप कंसेंसस स्टेटमेंट ऑन हाउ टू बेस्ट प्रैक्टिस, हाउ टू बेस्ट प्रायोरिटाइज। प्रायोरिटाइज मतलब कौन कौन से एडवांस अच्छे प्रैक्टिस है उनको हम आगे लेके आएंगे, ठीक है। एंड ऑफर गाइडेंस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ टूल, और गाइड करेंगे ऐसे टूल डेवलप करने के लिए, ठीक है ना, जो इस प्रैक्टिस को क्या करेंगे आगे लेके जाएंगे। बात समझ में आ रही है। टाइमलाइंस एंड टैक्टिक्स फॉर अचीविंग दोज एडवांसमेंट, ठीक है ना। ये टूल्स वगैरह एक तरह से कह लो कि ऐसी रणनीतियां तैयार करेंगे हम लोग जिससे कि हमारे पास जो है फार्मेसी प्रैक्टिस हॉस्पिटल वो और आगे जाएगी। तो ये इनके क्या थे, एक तरह से गोल थे। अब जो यहाँ पे बसेल मीटिंग हुई, मेन हमारे पास क्या है, हॉस्पिटल स्टैंडर्ड। बसेल मीटिंग का मेन टॉपिक जो है हमारे पास हेडिंग का, ठीक है ना, वही है। तो उसी को देखते हैं, बसेल मीटिंग आखिर क्या थी। तो कह रहे हैं अब ये बसेल मीटिंग, ठीक है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट ये हेडिंग बना के दे रखी है अपने किसमें, सिलेबस में। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आए और कहां मिलते हैं सब लोग, बसेल में मिले स्विट्जरलैंड में, जो कि इन 2008 टू डिस्कस द फ्यूचर ऑफ देयर सेक्टर। वो अपने सेक्टर यानी कि हॉस्पिटल फार्मेसी के सेक्टर को लेकर के डिस्कशन करना चाहते थे। दिस हिस्टोरिक टू डे मीटिंग, ये एक हिस्टोरिक एक ऐतिहासिक मीटिंग थी जो दो दिन चलती है, होस्टेड बाय FIP। अब बार बार FIP का नाम आता है तो आप समझ में आ गया FIP क्या होता है। किसने इसको ऑर्गेनाइज करवाया था, FIP ने ऑर्गेनाइज कराया था, ठीक है। ऑर्गेनाइज बाय FIP हॉस्पिटल फार्मेसी सेक्शन, जो FIP का हॉस्पिटल फार्मेसी सेक्शन था उसने इसको क्या करवाया, ऑर्गेनाइज कराया। केम टू अ कंसेंसस, एक सर्वसहमति पे आए और 75 स्टेटमेंट लिखी गई। सबने अपना अपना परिचय दिए कि हम ये चाहते हैं, ये चाहते हैं, ये चाहते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और सबके मिला करके कॉमन 75 स्टेटमेंट, ठीक है ना, निकाले गए। रिफ्लेक्टिंग देयर विजन ऑफ प्रैक्टिस कॉल्ड बेसल स्टेटमेंट, वो जो 75 स्टेटमेंट निकल के बाहर आए जो कि बेस्ट थे प्रैक्टिस के लिए, उन्हीं को कहा जाता है बसेल स्टेटमेंट्स, ठीक है ना। अब द बसेल स्टेटमेंट कवर ऑल एरियाज ऑफ मेडिसिन यूज, ये सारे जो स्टेटमेंट थी मेडिसिन के सारे एरियाज कवर करती है, उनके यूज से लेकर के, ठीक है, और उनकी मॉनिटरिंग तक। एक हॉस्पिटल में दवाइयों के यूज से लेकर के फ्रॉम प्रोक्योरमेंट टू मॉनिटरिंग, उनको एक्वायर करना कि कौन सी दवाइयाँ लानी है और आगे जाकर के उनकी मॉनिटरिंग तक, सारी एरियाज उसके अंदर कवर किए गए। अब क्या होता है, 2008 में डेट भी याद रखेंगे, कहाँ हुआ था वो भी याद रखेंगे, ठीक है। 2008 के बाद दोबारा से 2014 में सब मिलते हैं वापस से, सारे हॉस्पिटल फार्मेसी अगेन गैदर्ड, इकट्ठे होते हैं, गैदर्ड मतलब इकट्ठा होना, दिस टाइम इन बैंकॉक। इस बार कहाँ इकट्ठे हुए सबके सब, बैंकॉक में, थाईलैंड में, टू इनपुट इनटू फ्यूचर प्रैक्टिस थ्रू अपडेटिंग द स्टेटमेंट। अब पैसे स्टेटमेंट थी, अब ये लोग फिर से मिले कि शायद कोई अपडेट कर ले, कुछ नई चीज आ गई हो, तो उसके लिए मिलते हैं। द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द बसेल स्टेटमेंट वॉज लॉन्च्ड इन सितंबर 2015, दे आर नाउ 65 स्टेटमेंट। अब उसमें से क्या किया, 10 स्टेटमेंट घटा दी गई और केवल कितनी रखी गई, 65 रखी गई। तो इस तरीके से मीटिंग हुई है किसके लिए, हॉस्पिटल फार्मेसी के उत्थान के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए, और यूं कह सकते हैं कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए। जब फार्मासिस्ट होंगे तभी तो हॉस्पिटल फार्मेसी होगी ना, बात समझ में आ रही है। तो ये थी बेसल स्टेटमेंट। अब जो इसके जो स्टेटमेंट है ना 65, वही बताता हूं मैं अभी, आगे आते हैं। थीम्स, अब थीम क्या थी, थीम वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। कह रहा है द डेफिनेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट नीड्स एडिशनल डेवलपमेंट। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की डेफिनेशन को ना थोड़ा डेवलप करने की जरूरत थी, क्लियर नहीं थी। करंट डेफिनेशन वेरी वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की डेफिनेशन अलग अलग है, बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल एंड नेशनल रेगुलेशन एंड एम्बिशन। ये किसके ऊपर बेस्ड है कि ट्रेडिशन और परंपरा क्या रही है, जैसे कि अपना क्या रहता है, अपनी कंट्री में सबको पता ही है कि हम लोग कंपाउंडर से ज्यादा उसे कुछ समझते नहीं है, ठीक है। नेशनल रेगुलेशन कैसे है वहां के, सरकार कैसे वो बनाती है नियम कायदे कानून बनाती है फार्मासिस्ट के लिए, और एम्बिशन क्या है, चाहत क्या है फार्मासिस्ट से, वो लोग चाहते क्या है, तो कई सारी चीजें होती हैं। तो ये इसको थोड़ा सा एडवांस करने की जरूरत थी, ठीक है, ये एक थीम थी उसकी। द ओवरआर्किंग, ओवरआर्किंग मतलब व्यापक, द ओवरआर्किंग गोल ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इज टू ऑप्टिमाइज पेशेंट आउटकम थ्रू जुडिशियस। जो व्यापक गोल हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का, जो सबसे ज्यादा जबरदस्त, सबसे ऊंचा, सबसे पहले जो गोल होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्टिमाइज पेशेंट आउटकम थ्रू द जुडिशियस। पेशेंट का आउटकम यहां लिख सकते हो, ऑप्टिमाइज पेशेंट केयर, आउटकम की जगह पेशेंट यहां केयर डाल देना अगर ये दिक्कत लगता है तो, थ्रू द जुडिशियस सेफ एफिकेसी। जुडिशियस मतलब जो लीगली ठीक हो,
ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर रहे हैं पेशेंट के साथ। अप्रोप्रिएट हो एंड कॉस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिसिन, मतलब अल्टीमेटली मुद्दा पेशेंट के ऊपर आके थमा सारा। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल मेडिसिन लॉजिस्टिक इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में दवाइयों की जो लॉजिस्टिक है, एक तरह से कह लो कि तार्किक दवाइयां, हमें जो दवाइयां अवेलेबल होनी चाहिए वो सब की सब कैसी होनी, लॉजिकल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भंडार भर लिया, ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम लोग रैशनल इरेशनल के बारे में। तो वो कहीं ना कहीं जब लॉजिस्टिक की बात आती है तो यहाँ पर रैशनल इरेशनल वाले टर्म्स आके जुड़ जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो लॉजिस्टिक टर्म मतलब क्या होगा, तार्किक, एक रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन हमें यहाँ पे करना है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट शुड प्रोवाइड ओरिएंटेशन एंड एजुकेशन। ओरिएंटेशन मतलब दिशा निर्देश एक तरह से देते रहना चाहिए उसे, ठीक है, और एजुकेशन देते रहना चाहिए किसको, नर्सेस को, फिजिशियन को एंड अदर हॉस्पिटल स्टाफ रिगार्डिंग मेडिकेशन यूज, यूजिंग बेस्ट प्रैक्टिस एंड रिकमेंडेशन, ठीक है ना। तो बात समझ में आ रही है, यानी कि दवाइयां, जहां दवाइयां तो वहां फार्मासिस्ट, जहां दवाइयां वहां फार्मासिस्ट, अगर दवाइयां हैं तो वहां फार्मासिस्ट का रोल होगा ही होगा। अल्टीमेटली ये सारे मुद्दे आकर के यहां पर क्या होते हैं, खड़े होते हैं। ये थीम थी इस किसकी, बेसिल स्टेटमेंट की। अब बच्चों क्या है, FIP बेसिल स्टेटमेंट, ठीक है। अब जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके अंदर ये पहली स्टेटमेंट से लेकर के हम जाने वाले हैं कहां तक, 65 स्टेटमेंट तक। तो पहला जो है ओवर आर्किंग एंड गवर्नेंस स्टेटमेंट, इसको मैं रीड कर दे रहा हूं, ठीक है, बाकी सब थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे क्योंकि टोटल 65 की 65 सारी स्टेटमेंट मैंने लिख दी है नोट्स में, आप लोग आराम से फुर्सत में पढ़िएगा, कोई डाउट होगा तो उसको हम लोग फिर डाउट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल क्या है, मैं इसको एक छोटा रीड कर देता हूँ। बेसिक स्टेटमेंट क्या है समझ में आ गई, तुमको थीम क्या है उसकी वो बात समझ में आ गई है, तो फटाफट देखते हैं इसका ओवर आर्किंग एंड गवर्नेंस स्टेटमेंट, व्यापक और गवर्नेंस स्टेटमेंट क्या थी इसकी। तो ओवर आर्किंग गोल ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इज टू ऑप्टिमाइज पेशेंट आउटकम। सबसे बड़ा मेन रोल क्या था, पेशेंट आउटकम कह लो यहां पर, या पेशेंट आउटकम मतलब पेशेंट को क्या मिलने वाला है, पेशेंट आउटकम मतलब जो मरीज है उसको क्या मिलेगा, उसको सबसे बेस्ट केयर मिलेगी। तो यहां हम लिख सकते हैं पेशेंट केयर, ठीक है। थ्रू कोलैबोरेटिव, कोलैबोरेटिव मतलब मिला जुला, इंटर प्रोफेशनल, इंटर प्रोफेशनल मतलब कोई उसमें पैथोलॉजिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई फार्मासिस्ट है, कोई टेक्नीशियन है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ मेडिसिन एंड मेडिसिनल डिवाइस, है ना, मेडिकल डिवाइस वगैरह जो होते हैं तो उसमें जो लैब टेक्नीशियन वगैरह रहते हैं, मेडिकल डिवाइस का मतलब मेडिकल डिवाइस का भी इस्तेमाल ऐसा होना चाहिए कि मरीज को नुकसान ना हो, सारी बातें आती है इसके अंदर। द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ मेडिसिन मीन्स, अगर रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ मेडिसिन का मतलब क्या है, यहां बोल तो दिया है रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ मेडिसिन, इसका मतलब क्या है, तो क्या कह रहा है। The responsible use of medicine means that a medicine is only used when necessary, जब जरूरत है तभी दिया जाए, and that the choice of medicine is appropriate based on what is proven by scientific. The choice of medicine, medicine कौन सी होनी चाहिए वो उसके ऊपर बेस होना चाहिए कि जो साइंटिफिकली प्रूफ हो चुकी है, ऐसा नहीं कि कुछ भी अपने मन से आप एक नई थेरेपी क्रिएट कर दे रहे हैं। और क्लिनिकल एविडेंस या उसका दवाई देने का कि मैं ये इसको ये बीमारी है ये दवाई दी जाएगी, इसका कोई पीछे कोई क्लिनिकल एविडेंस होना चाहिए, अपने आप से आप कुछ करेंगे नहीं। टू बी मोस्ट इफेक्टिव एंड लीस्ट लाइकली टू कॉज हार्म, सबसे ज्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए और सबसे कम संभावना होनी चाहिए कि उसको नुकसान हो। दिस चॉइस आल्सो कंसीडर पेशेंट प्रिफरेंस एंड मेक्स द बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड हेल्थ केयर रिसोर्सेज, ठीक है ना। तो ये चॉइस कहीं ना कहीं इसमें पेशेंट की प्रिफरेंस को भी कंसिडर किया जाता है कि आप किस तरह से कौन सी दवाइयां है ना, कुछ महंगी सस्ती रहती हैं। मेक्स द बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड हेल्थ केयर रिसोर्सेज, इस तरीके से जो लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास उसका बेस्ट यूज हो पाता है। There is timely access to and the availability of quality medicine that is properly administered and monitored for effectiveness and safety. तो क्या कह रहा है? There is timely access to and the availability of quality medicine. Time time पर जो quality medicines हैं उनको access check करना है, उनकी availability को देखना है. That is properly administered कि वो properly दी जा रही हैं, ठीक है, और उनकी जो monitoring हो रही है फॉर इफेक्टिवनेस एंड सेफ्टी, जो मॉनिटरिंग की जाती है ना, कभी देखा दवाइयां जब मार्केट में आ जाती है फिर मॉनिटरिंग होती है कि ठीक तो है, कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है, डेट इज कॉल्ड मॉनिटर्ड फॉर इफेक्टिवनेस एंड सेफ्टी। बात समझ में आ रही है? देन मल्टी डिसिप्लिनरी कोलेबरेटिव अप्रोच इज यूज, मल्टी डिसिप्लिनरली, है ना, डिसिप्लिन मतलब क्या होते हैं, जैसे कि डिसिप्लिन क्या होता है, एक तरह सब्जेक्ट, ठीक है ना, मल्टी डिसिप्लिनरी, बहुत सारे जब एक साथ, एक आप पेशेंट है, अगर आप हॉस्पिटल में गए हो तो पेशेंट के ऊपर कौन कौन काम करते हैं, काम करते हैं मतलब कौन कौन किसी को पेशेंट से मिलना पड़ता है, नर्स है, ठीक है, फार्मासिस्ट है, डॉक्टर है, लैब पैथोलॉजिस्ट है, देन अगर आपकी वो हो रही है इमेजिंग हो रही है, सीटी स्कैन हो रहा है, एक्सरे वाला है, इन सब लोगों से, तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी हो गया हमारे पास।
इन सब का कोलैबोरेटिव अप्रोच इज यूज्ड दैट इंक्लूड्स पेशेंट, है ना। जैसे कि अभी मैं बताऊं आपको, अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो अल्ट्रासाउंड वाला डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करके अपनी रिपोर्ट बनाता है नीचे कि हाँ ऐसी ऐसी दिक्कत है, फिर उसको जाकर के हम लोग डॉक्टर को दिखाते हैं। तो क्या हो गया, मल्टीडिसिप्लिनरी, एक पेशेंट के साथ कई सारी चीजें जुड़ी होती हैं, कई सारे और अलग अलग ब्रांचेस के लोग जुड़े होते हैं, डॉक्टर ही नहीं और भी लोग जुड़े होते हैं। दैट इंक्लूड पेशेंट एंड दोज इन एडिशन टू हेल्थ प्रोफेशनल असिस्टिंग इन देयर केयर। अल्टीमेटली बात घूम फिर के वही आ रही, जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स उसके साथ जुड़े हुए हैं वो उसकी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर टू, एट अ ग्लोबल लेवल, ग्लोबल लेवल की बात करें, एविडेंस बेस्ड हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स। एविडेंस बेस्ड का मतलब होता है जो कहीं पे पहले जिसको प्रूफ किया जा चुका है, जिसको हम लोग क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं, ऐसा होता है, उनके ऊपर जो चीजें चलती हैं उसको हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड। एविडेंस मतलब सबूत के आधार पर। हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस स्टैंडर्ड शुड बी डेवलप, जो हॉस्पिटल फार्मेसी की प्रैक्टिस के स्टैंडर्ड्स हैं वो एविडेंस बेस्ड डेवलप होने चाहिए। दिस शुड असिस्ट नेशनल एफर्ट टू डिफाइन स्टैंडर्ड्स फॉर द एक्सटेंट एंड स्कोप ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विसेज एंड शुड इंक्लूड करस्पॉन्डिंग ह्यूमन रिसोर्स एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, दिस शुड असिस्ट नेशनल एफर्ट टू डिफाइन स्टैंडर्ड, यहां पर नेशनल एफर्ट्स होने चाहिए ताकि स्टैंडर्ड्स डिफाइन हो सके फॉर द एक्सटेंट एंड स्कोप ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विसेज, ठीक है ना, कि किस हद तक और क्या स्कोप रहेगा हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विसेज का, एंड शुड इंक्लूड करस्पॉन्डिंग ह्यूमन रिसोर्स एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट, और उसी हिसाब से इंक्लूड करना चाहिए क्या ह्यूमन रिसोर्सेज, उसी हिसाब से ह्यूमन किस किस की जरूरत है हमको और ट्रेनिंग कैसे कैसे ट्रेनिंग की जरूरत है। तो ये पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर थ्री, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट शुड इंगेज हेल्थ अथॉरिटी एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर टू इंश्योर। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को ही इंगेज रखना है, हेल्थ अथॉरिटीज हैं जो हॉस्पिटल की, एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर जो है टू इंश्योर एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज, कि वो सुनिश्चित करें कि हॉस्पिटल में सारा का सारा जो रिसोर्स है, मेडिसिन से लेके इक्विपमेंट से लेके हर चीज क्या हो, अप्रोप्रिएट हो, एंड डिजाइन ऑफ द हॉस्पिटल मेडिसिन यूज प्रोसेस, और वो हॉस्पिटल में मेडिसिन यूज की प्रोसेस के हिसाब से डिजाइंड हो। हेल्थ अथॉरिटीज शुड इंश्योर दैट ईच हॉस्पिटल इज सर्विस्ड बाय फार्मेसी दैट इज सुपरवाइज्ड बाय फार्मासिस्ट। हेल्थ अथॉरिटी जो होती हॉस्पिटल की, वो इंश्योर करेगी, सुनिश्चित करेगी कि जो फार्मेसी है हॉस्पिटल की उसमें वो सर्विस की जानी चाहिए, मतलब उसमें जो सर्विस, मतलब उसमें जो इंसान बैठा होगा वो पक्के से कौन होगा, एक फार्मासिस्ट होगा हु हैव कंप्लीटेड एडवांस ट्रेनिंग इन हॉस्पिटल फार्मेसी, जो अपने ट्रेनिंग एडवांस ट्रेनिंग को हॉस्पिटल फार्मेसी में कर चुका हो। पॉइंट नंबर फोर हो गया। ये सारे पॉइंट हैं जो डिसाइड हुए थे बस इन मीटिंग में, ठीक है। द चीफ फार्मासिस्ट या डायरेक्टर ऑफ फार्मेसी शुड बी द अकाउंटेबल, जिम्मेदार होगा, अकाउंटेबल मतलब जिम्मेदार होगा, प्रोफेशनल कोऑर्डिनेटिंग द अकाउंटेबल प्रोफेशनल कोऑर्डिनेटिंग द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ मेडिसिन इन द हॉस्पिटल। मतलब सीधी बात यह है, जो चीफ फार्मासिस्ट या डायरेक्टर होगा वो मेडिसिन का कैसा इस्तेमाल हो रहा है उन सब चीजों के लिए क्या होगा, वो जिम्मेदार होगा। क्लियर है, आगे आते हैं। तो बेटा देखो, इसी तरीके से 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको आप क्या करोगे, धीरे धीरे करके 4-4, 5-5 पॉइंट पढ़ोगे, सारे याद नहीं करने, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे कि ये था हमारे पास, ठीक है ना, थीम, मेन थीम सारी याद रखोगे। अब ओवर आर्किंग एंड गवर्नेंस स्टेटमेंट है, तो इसके एक या दो पॉइंट इसके याद हो गए हमको, ठीक है। आगे आते हैं थीम टू। थीम टू की बात करें, इन अच्छा थीम टू पे आ गए हम लोग। थीम वन, प्रोक्यूरमेंट, प्रोक्यूरमेंट मतलब मेडिसिन का लेना। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट शुड बी इन्वॉल्व्ड इन द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ प्रोक्यूरमेंट ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन को कैसे प्रोक्यूर किया जाएगा, एंड हेल्थ प्रोडक्ट प्रोमोटिंग इक्विटी एंड एसेस, ठीक है ना, जिससे कि इक्विटी और एक्सेस को प्रमोट करेगा। दे शुड इंश्योर ट्रांसपेरेंट प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस आर इन प्लेस इन लाइन विद बेस्ट प्रैक्टिस एंड नेशनल लेजिस्लेशन। मतलब सीधी सी बात है, वो एक ट्रांसपेरेंट प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस, मतलब एक ट्रांसपेरेंट, ऐसा ना हो बीच में घूस खा रहे हो, खराब इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो, उसमें आप लालच के चक्कर में कुछ और कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आर फ्री फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब अपना लालच नहीं होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, खुद का लालच नहीं होना चाहिए कोई सामान लेते वक्त। एंड आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ सेफ्टी क्वालिटी एंड एफिकेसी, और जो भी प्रोक्यूरमेंट होगा वो सेफ्टी क्वालिटी और एफिकेसी पे बेस्ड होगा। तो थीम वन उसके अंदर यही लाइन लिख दोगे, फिर आगे लिखो चाहे ना लिखो, फिर आ जाओगे थीम टू पे। इन्फ्लुएंसेस ऑन प्रिस्क्राइबिंग, जब कोई चीज प्रिस्क्राइब की जाएगी उसमें इनका प्रभाव, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव। हॉस्पिटल शुड यूटिलाइज अ मेडिसिन फॉर्मुलरी सिस्टम,
हॉस्पिटल को मेडिसिन फॉर्मुलरी सिस्टम, फॉर्मुलरी सिस्टम तो पता है ना, जिसके अंदर इसेंशियल ड्रग्स लिखे जाते हैं, लोकल रीजनल एंड और नेशनल, ठीक है ना। जो मेडिसिन फॉर्मुलरी सिस्टम होगी वो इन सब से ताल्लुकात रखेगी, लिंक टू स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन, और जो गाइडलाइन है ट्रीटमेंट के वो स्टैंडर्ड होंगे, प्रोटोकॉल एंड ट्रीटमेंट पाथवे बेस्ड ऑन द बेस्ट अवेलेबल एविडेंस। जो ये लोग यहाँ पर ट्रीट करेंगे, जो पूरा एक इनके पास फॉर्मुली रहेगी वो किसके ऊपर बेस्ड रहेगी, एविडेंस के ऊपर। देखो फिर से सारी कहानी बार बार आता है, क्लिनिकल एविडेंस है ना, ये एविडेंस बेस्ड, तो एविडेंस बेस्ड का मतलब होता है जो पीछे कभी है ना उसके ऊपर ट्रायल हो चुके हैं और वो प्रूफ हो चुकी है। तो इस तरह इन्फ्लुएंस ऑन प्रिस्क्राइबिंग, क्या चीज प्रिस्क्राइब की जाए उसमें भी इनका प्रभाव रहेगा। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट शुड बी की मेंबर ऑफ फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी, वो की मेंबर होगा टू ओवरसी, जिससे कि वो क्या कर सके, ओवरसी का मतलब देखरेख कर सके उसकी, ठीक है ना, ओवरसी का मतलब देखरेख करे ऑल मेडिसिन मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, जितनी भी मेडिसिन मैनेजमेंट पॉलिसीज हैं और उनकी जो प्रोसीजर है, ठीक है, उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए, इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू ऑफ लेवल यूज एंड इन्वेस्टिगेशनल मेडिकेशन, जो ऑफ लेवल है और साथ साथ में जो इन्वेस्टिगेशनल मेडिसिन है इनके ऊपर भी क्या रहेगी, इसकी निगरानी रहेगी। तो अब देखो इसमें पॉइंट बहुत सारे हैं, तो मैंने क्या कहा, बारी बारी से इन पॉइंट्स को पढ़ोगे, ठीक है, इसकी 65 पॉइंट्स हैं बेटा यहाँ पे, सारे मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा तभी एक डेढ़ घंटा लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, अगर तुम लोग थोड़ी दिक्कत आती है तो क्या करोगे, इनको टाइप करोगे कहाँ पर, ठीक है, ट्रांसलेट गूगल, है ना, ये सब मेरे सब लोग जानते होंगे, ट्रांसलेट गूगल, अगर कोई वर्ड समझने में दिक्कत आती है तो उसको धीरे धीरे करके उसकी हिंदी लिखो, समझने की कोशिश करो, उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो उस पर्टिकुलर लाइंस को या उस पर्टिकुलर पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, डाउट क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। थर्ड आते हैं, थीम थर्ड क्या है, प्रिपरेशन एंड डिलीवरी, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट शुड एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टोरेज, उसी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसकी, स्टोरेज की, प्रिपरेशन की, डिस्पेंसिंग की एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल मेडिसिन इंक्लूडिंग इन्वेस्टिगेशन मेडिसिन, ठीक है, वही सारी कहानी है इसके अंदर, जो एक तरह से हम कहते हैं रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात आती है, तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर, बहुत सारे पॉइंट है इसके अंदर। थीम फोर के अंदर अगर हम आ जाएं तो वो है एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट शुड इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, जो इन्फॉर्मेशन है नीडेड फॉर सेफ मेडिसिन प्रिपरेशन, जो इन्फॉर्मेशन हमको मेडिसिन बनाते हैं वहाँ पर, ठीक है ना, और उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन का जो साधन होता है वो एकदम इफेक्टिव होना चाहिए, एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर एसेसिबल एट द पॉइंट ऑफ केयर, ठीक है ना। तो जो इन्फॉर्मेशन सोर्स है मेडिसिन प्रिपरेशन के लिए, एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर एसेसिबल एट द पॉइंट ऑफ केयर, वो हर समय क्या होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए वहाँ पर, बात समझ में आ रही है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट शुड इंश्योर डैट क्लिनिकली रिलेवेंट एलर्जीज ड्रग इंटरेक्शन कंटेंट पास आउट, ठीक है, वो सारी बातें हैं बेटा इसमें, ठीक है, इसको एक बार रीड करोगे, सारी बातें कहीं ना कहीं मिली जुली पुराने हम लोग पढ़ चुके हैं। देन आता है हमारे पास थीम फाइव, मॉनिटरिंग ऑफ मेडिसिन यूज, जो मेडिसिन खाई जा रही है उसकी मॉनिटरिंग करना, ठीक है, एन इजिली एसेसिबल रिपोर्टिंग सिस्टम फॉर डिफेक्टिव मेडिसिन, है ना, एक रिपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए किसके लिए, डिफेक्टिव मेडिसिन शुड बी इस्टेब्लिश एंड मेंटेन, ठीक है ना, डिफेक्टिव जो मेडिसिन है उसको रिपोर्ट करने का एक ईजी एसेसिबल सिस्टम होना चाहिए, इसको मेंटेन किया जा सके। रिपोर्ट ऑफ डिफेक्टिव और सब स्टैंडर्ड मेडिसिन शुड बी रिव्यूड इंटरनली एंड सेंड इन अ टाइमली मैनर टू अ रीजनल और नेशनल फार्माको विजिलेंस और रेगुलेटरी रिपोर्टिंग प्रोग्राम एंड द मैन्युफैक्चरर, जो अगर डिफेक्टिव या सब स्टैंडर्ड मेडिसिन है उसकी कंप्लेंट फार्मासिस्ट को ही भेजनी है, किसको, फार्माको विजिलेंस को, फार्माको विजिलेंस को, और रेगुलेटरी रिपोर्टिंग प्रोग्राम एंड द मैन्युफैक्चरर, जो उसका मैन्युफैक्चरर है, जो उसका मैन्युफैक्चरर है उसके पास भेजनी है, बात समझ में आ रही है। तो बात समझ में आई, तो ये थीम्स हैं टोटल 65, ये पांचवी थीम होगी हमारे पास, थोड़ी स्टेटमेंट है 65, थीम हमारे पास टोटल 6 हैं। छठी थीम क्या है, ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो इंसान आएंगे फार्मासिस्ट की तरह या किसी और कैटेगरी में, उनकी ट्रेनिंग होगी और डेवलपमेंट, ठीक है ना। इसमें क्या रहेगा, एट अ नेशनल लेवल कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क आर डिफाइंड, कि जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, उनकी एक डेफिनेशन बनेगी, हाँ फार्मासिस्ट के लिए बी फार्म डी फार्म, ठीक है, वो डिफाइंड होगा। इस्टेब्लिश्ड एंड रेगुलरली एसेट्स, और इनको लगातार चेक किया जाता रहेगा, ठीक है। एट ए नेशनल लेवल हॉस्पिटल फार्मासिस्ट शुड इंगेज हेल्थ अथॉरिटीज टू ब्रिंग टूगेदर स्टेक होल्डर्स टू कोलेबरेटिवली डेवलप एविडेंस बेस्ड हॉस्पिटल फार्मेसी ह्यूमन रिसोर्स प्लान, ठीक है ना, एविडेंस बेस्ड ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स की जब भी बात आएगी बच्चों, ह्यूमन रिसोर्स बोलते ही समझ जाना काम करने वाले लोग, जो लोग काम करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स।
उनकी क्या प्लानिंग रहेगी उनको एक्वायर करने की या किस ट्रेनिंग करने की टू सपोर्ट रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ मेडिसिन इंक्लूडिंग दोज इन रूरल एंड रिमोट एरिया। भाई जब सक्षम आदमी आएगा तभी क्या होगा, यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास सक्षम होगा, उनकी ट्रेनिंग कायदे से होगी, तभी चीज़ें क्या होंगी, बढ़िया से होंगी। तो ये 6 थीम रहेंगी हमारे पास, इनके अंदर एक एक दो दो पॉइंट आप डाल सकते हो सिंपल से, ये मिला करके हो जाता है हमारे पास कितने टोटल 65 पॉइंट। तो ठीक है, तो ये 65 के 65 पॉइंट सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, 6 थीम इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, हर एक थीम के अंदर एक एक दो दो पॉइंट या लाइनें आप उसमें क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। ठीक है, जब क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें और डिटेलिंग बताऊंगा मैं। हाँ, क्वेश्चन आंसर याद आया, अगेन गो टू माइंड नर्चर ऐप एंड डू द प्रैक्टिस फॉर, है ना, ये लेक्चर हमने करा दिया है, इसके 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स एमसीक्यू टेस्ट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, जैसे ही लेक्चर आपके पास ये आ जाएगा, YouTube पे अपलोड हो जाएगा, साथ साथ में जो बच्चे सब्सक्राइब कर चुके हैं, सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं, उनको साथ साथ में ये सारी चीज़ें साथ में मिल जाएंगी और वो लोग इसकी तैयारी करना स्टार्ट करें। जल्दी हम लोग अपनी लाइव क्लास भी स्टार्ट करेंगे डाउट के लिए। ठीक है, और ऐप को लेकर कोई भी दिक्कत है तो मेरे को कॉल करें डायरेक्ट बिना झिझके, और ये सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, करते रहना साथ के साथ बेटा, इनको छोड़ना नहीं। ठीक है ना, अब आज के लेक्चर के साथ ये सारी चीज़ें अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाएंगी धीरे धीरे। ठीक है, थोड़े से बिजी थे अभी इस समय हम लोग, तो भरपूर फायदा उठाएं ऐप का, बहुत ही लो प्राइस पे ऐप है, और अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है ना, रिवीजन करते रहें और पढ़ते रहें। ओके, ऑल द बेस्ट।